नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का एक क्वेरी होता है कि आज खरीदा म्यूचुअल फंड का यूनिट मिलेगा कब, एनएवी कब मिलेगा। तो इस पे आज वीडियो है। एनएवी कट ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड में क्या है। यहाँ पे हम इक्विटी स्कीम ओनली लेते हैं, लिक्विड और डेट ये इसका बात नहीं करते हैं, ओनली इक्विटी स्कीम का बात करते हैं। कट ऑफ टाइम खरीदने पर क्या होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ टाइम 2 PM है। अब 2 PM में दो पार्ट है। अगर 2 PM के पहले खरीदेंगे तो आज आपका परचेज माना जाएगा, और 2 PM के बाद खरीदेंगे, 2:01 पे खरीदेंगे, तो कल माना जाएगा। ये पार्ट वन है। पहला देखना है कि आज अगर खरीद रहे हैं 2 PM के पहले खरीदेंगे तो आज ही परचेज माना जाएगा, और 2 PM के बाद खरीदेंगे तो कल का परचेज माना जाएगा। कल वर्किंग डेज जो आएगा वो माना जाएगा। अगर सैटरडे संडे है तो बंद कर दीजिए। मंडे को जो मार्केट खुलेगा वो कल मतलब मंडे माना जाएगा। फ्राइडे 2 PM के बाद खरीदेंगे तो मंडे का ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ये तो हो गया पार्ट वन। अब पार्ट टू कहता है मार्केट में आपने जो भी 2 PM के पहले खरीदा वो आज का रेट माना तो जाएगा, लेकिन 9 PM पे सबका रेट डिसाइड होता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक बनिया का दुकान है, उसमें चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी साबुन तेल सब रखते हैं, सब बेचा सुबह से लेके शाम तक, 9 बजे से लेके रात तक बेचा। लेकिन रात में वही खाता एक बार किया, उनको पता चलता है कि 10,000 का माल आज बिका है। दिन भर तो बेचा, रात में कैलकुलेट किया, पिछले दिन 9,000 बिका था, उसके पिछले दिन 8,000 बिका था। ठीक उसी तरह यहाँ पे फंड मैनेजर हैं। एक फंड है, उसमें उन्होंने ICICI बैंक, HDFC, मारुति, हीरो होंडा, रिलायंस सब कुछ खरीद के रखा है। सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक तो मार्केट में हलचल हो रहा है सबका प्राइस। रात के 9 बजे कैलकुलेट करके डिसाइड होता है कि इसका फंड का स्कीम का रेट क्या डिसाइड होगा। वो रात के 9 बजे डिसाइड होता है, मान लेते हैं 50 रुपया। तो आपने 2 PM के पहले खरीदा तो 50 रुपया के रेट से मिलेगा, जो कि रात के 9 बजे डिस्क्लोज हुआ है। एक दिन पहले हो सकता है कि वो 49 रुपया हो या 51 रुपया हो, लेकिन आज जब मार्केट ऊपर नीचे हुआ और रात में 9 बजे प्राइस जब डिस्क्लोज हुआ उसका रेट 50 रुपया था। तो कट ऑफ टाइम 2 PM के पहले खरीदा तो आज जो 9 बजे रात में प्राइस डिस्क्लोज होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन यदि 2 PM के बाद खरीदा तो कल जब मार्केट ओपन होगा और कल के रात में जो रात बजे 9 बजे प्राइस डिस्क्लोज होगा उस रेट पे आपको चीज मिलेगा। कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, सैटरडे संडे है कोई हॉलीडे है तो वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग डे में जब मार्केट खुलेगा और यदि आपने 2 PM के बाद खरीदा है तो अगले दिन जब मार्केट खुलने के बाद 9 बजे रात में जो प्राइस डिस्क्लोज होगा उसी रेट पे आपको मिलेगा। अब ये तो दो पार्ट हो गया, पार्ट वन पार्ट टू। अब नौटंकी नंबर थ्री है कि आपने पैसा कैसे जमा किया, दिया कैसे, UPI से पेमेंट किया, आपने वन टाइम खरीदा, SIP का तो बात ही नहीं है। SIP तो ऑटोमेटिक आपका पैसा कट रहा है तो 9-10 बजे सुबह कट ही गया होगा, 2 PM का तो बात ही नहीं है, पहले कट गया होगा उसी रेट पे मिल ही जाएगा। तो बात सिर्फ यहाँ पे वन टाइम का है, परचेज कर रहे हैं टॉप अप कर रहे हैं उसका बात है। अगर आपने UPI से खरीदा तो 2 PM के पहले अगर खरीदा तो आज का आज मिल जाएगा। नेट बैंकिंग से खरीदा तो 2 PM के पहले यदि खरीदा तो आज का आज मिल जाएगा। 2:01 पे खरीदा तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में जो प्राइस डिस्क्लोज होगा 9 बजे रात में उस रेट से मिलेगा। 2 PM के पहले खरीदा तो आज ही मिलेगा, लेकिन वो आज 9 बजे रात में प्राइस डिस्क्लोज होता है उस रेट पे मिलेगा। अब नेट बैंकिंग में एक नौटंकी और है छोटा सा। कोई भी फंड आप म्यूचुअल फंड का देखेंगे ना, उसमें एक अकाउंट है हर फंड का। अगर 10,000 स्कीम म्यूचुअल फंड का है तो 10,000 अकाउंट है, और उस अकाउंट में हम सब लोग देशवासी जो पैसा जमा करते हैं उस एक फंड के स्कीम में पैसा जाते जाता है। मान लेते हैं कि आपने ABC एक म्यूचुअल फंड लिया है, स्कीम लिया है, अब उसका अकाउंट ICICI में है, मतलब उस फंड में जो भी लोग पैसा जमा करेंगे वो ICICI बैंक के अकाउंट में पैसा आता जाएगा। अगर आपका भी ICICI बैंक का अकाउंट है और वो फंड ABC आप खरीदना चाहते हैं तो सेम बैंक हो गया, स्कीम का अकाउंट भी ICICI बैंक में, और आप जब परचेज कर रहे हैं 10,000, 20,000, 1 लाख का, आपका भी ICICI में, तो सेम डे में, टी वर्किंग डे, टी मतलब ट्रांजेक्शन डेट, आज ही मिलेगा। यदि 2 PM के पहले खरीदेंगे तो आज ही मिलेगा। लेकिन यदि आपका अकाउंट किसी और बैंक में है, यस बैंक, नो बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, PNB, जो कहीं भी है पर ICICI में नहीं है, और वो फंड जो स्कीम है उसका पैसा कहाँ जमा होता है,
आईसीआईसीआई बैंक में मान लेते हैं, लेकिन आपका अदर देन आईसीआईसीआई बैंक है, तो एक दिन के बाद ही आपका परचेज मान्य होगा। मतलब पूरे 24 घंटा में आप कभी भी परचेज कीजिए, 12 बजे से लेके एएम से लेके 12 बजे पीएम तक कभी भी खरीदेंगे तो अगले दिन का ही रेट मिलेगा। मतलब अगले दिन जो रात में 9 बजे डिस्क्लोज होगा उसी रेट पे मिलेगा, यदि आपका अकाउंट अदर देन स्कीम के अकाउंट से अलग है तो। यदि आपका नेट बैंकिंग आप कर रहे हैं सेम, उनका भी बैंक सेम आपका भी बैंक सेम, तो सेम डे माना जाएगा। अलग नेट बैंकिंग से करते हैं अलग बैंक से जो उनका स्कीम का अकाउंट नहीं है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में माना जाएगा। टी मतलब यहाँ होता है अंग्रेजी का, मतलब टी मतलब ट्रांजेक्शन डेट, आज ट्रांजेक्शन डेट। तो यहाँ इस केस में अदर देन नेट बैंकिंग दूसरा है तो टी प्लस वन वर्किंग डेज में आपको अलॉटमेंट होगा। ये सब कुछ कहानी जानने के बाद ऊपर जितना सीख लिया स्टार मार के, एक ही चीज़ मन में याद रखना है कि जब भी स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा तभी आपका परचेज मान्य होगा। मान लेते कि आपने 2 लाख परचेज तो किया नेट बैंकिंग से 2 बजे के पहले किया, लेकिन फेल हो गया ट्रांजेक्शन, किसी कारणवश स्कीम के अकाउंट में पैसा ही नहीं गया, मान्य नहीं होगा। जब भी स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा, हर स्कीम का अलग अलग है, 10,000 स्कीम 10,000 अकाउंट, उस अकाउंट में जब पैसा जाएगा फंड रियलाइजेशन हो जाएगा तभी आपको अलॉटमेंट होगा। अब ये सब बातें तो ऊपर जितना भी बताया खरीदने पे था, अब बेचने पे क्या होगा, सेल करने पे, रिडीम करने पे क्या होगा, स्विच करने पे क्या होगा, तो वो यहाँ भी सेम नियम है, 2 PM के पहले रिडीम करेंगे, स्विच करेंगे, जो भी करेंगे बेचने के संदर्भ में, तो 2 PM के पहले खरीदेंगे तो आज जो प्राइस 9 बजे डिस्क्लोज होगा उस रेट से आपको मिल जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आएगा टी प्लस टू वर्किंग डेज में। मतलब आपने आज ट्रांजेक्शन किया 2 बजे के पहले तो कल और परसों आपके अकाउंट में आ जाएगा। यदि आपने 2 PM के बाद ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन डेट कल माना जाएगा, तो ट्रांजेक्शन डेट टी क्या हो गया, ट्रांजेक्शन डेट कल, फिर परसों और तरसों आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा नियम चेंज हुआ है, इस 1 फरवरी से चेंज हुआ है कि टी प्लस टू वर्किंग डेज में आपको पैसा आ जाएगा, पहले 3 वर्किंग डेज में पैसा आता था। तो बेचने के केस में भी सेम बात लागू होता है, 2 PM के पहले बेचा, ट्रांजेक्शन किया तो आज जो 9 बजे रात में डिस्क्लोज होगा उसी प्राइस पे आपका रिडेम्पशन माना जाएगा, पैसा भले ही 2 दिन बाद आएगा। और 2 PM के बाद ट्रांजेक्शन किया रिडीम करने के लिए, ऑनलाइन ही किया लेकिन 2 PM के बाद किया, तो कल ट्रांजेक्शन का माना जाएगा और उसके 2 दिन के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और वो रेट 9 बजे रात में जो डिसाइड होता है उसी रेट से होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज ऑब्जर्व करना है कि म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है ना, NAV का प्राइस, यूनिट का प्राइस, एक बार ही आता है 9 बजे रात में, एक बार आता है। ये शेयर के जैसा नहीं है कि 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हलचल हो रहा है, जिस भी प्राइस में आप इंटर करेंगे कर सकते हैं। कितना प्राइस होगा तो हर सेकेंड में प्राइस चेंज होता है, तो हर सेकेंड में अलग अलग प्राइस शेयर का हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम का, फंड का एक ही प्राइस होता है, वो 9 बजे रात में डिसाइड होता है। तो एज पर रेगुलेशन खरीद बिक्री का तो यही कटऑफ टाइम है, लेकिन आप किसी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ऐप में आने के लिए 1 से 2 दिन अपडेट होने में टाइम लग जाता है, अलग अलग ऐप का अलग अलग है, तो लगभग ये देखा गया है 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा आपका पैसा, आ जाएगा या बेच रहे हैं तो रिफ्लेक्शन जो है 1 से 2 दिन के बाद होगा। अब यहाँ पे NAV के बारे में भी छोटा छोटा डाउट होता है, वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। NAV क्या होता है, रेट क्या होता है, मान लेते हैं कि एक फंड मैनेजर है, एक फंड लिया उन्होंने चूज किया और उस फंड में 80 स्टॉक है, मान लेते हैं मारुति का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, ये मान रहा हूँ, क्या है हमें नहीं पता है, हीरो होंडा का 200 रुपया चल रहा है, SBI का 300 रुपया चल रहा है, अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये 600 आया, आपको उस अंक से भाग देना है जहाँ 10 रुपया आ जाए, तो 60 से भाग दिया 10 रुपया आ गया। तो जब भी कोई फंड शुरू होता है तो 10 रुपया से शुरू होता है, वो 10 रुपया कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, उस फैक्टर से भाग देना है जहाँ 10 रुपया आ जाए, ये फैक्टर जो 60 है ये कांस्टेंट रहेगा, आज भी कल भी 10 साल बाद भी 20 साल बाद भी 50 साल बाद भी वो कांस्टेंट रहेगा। अब 1 साल के बाद ये 150 हो गया, ये घट गया 190 हो गया और ये 300 का 320 हो गया, अब सबको फिर से जोड़ दीजिए 1 साल बाद, तो 660 रुपया आया डिवाइडेड बाय 60 किया तो ये 11 रुपया हो गया, यानी कि 10 रुपया का चीज 1 साल के बाद ये 11 रुपया हो गया, तो 10% बढ़ गया। ठीक उसी तरह कोई फंड आप देखते हैं कि 10 रुपया से शुरू तो था 25-27 साल पहले, आज 2000 चल रहा है, तो इसी तरह से 2000 पूरा हुआ है,
आप देखेंगे एक साल में 11 रुपया बढ़ा, अगले साल जो भी होगा, उसके अगले साल जो भी होगा, जो भी होगा सबको जोड़ेंगे और कांस्टेंट फैक्टर जो है 60 से भाग देंगे, जो प्राइस आएगा वो अगले साल का प्राइस माना जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के एनएवी का जर्नी चलता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यदि म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।